सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग के एडिटिंग कर रहा था। अबे डोंकू यार, तेरे को मना तो किया है, यहाँ नहीं रूम में एडिट किया कर, सबको पता चल जाएगा मैं अपना ब्लॉग तेरे से एडिट करवा रहा हूँ। अरे उस रूम में पिगू भाई की हथियारों की डील चल रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। अबे तुम साला गधे के गधे ही रहोगे, किसी और रूम में सड़े जाते यार। अबे साले, गधा किसको बोल रहा है? तू गधा, तेरा बाप गधा। अबे तू एक जोक भी नहीं सह सकता, थोड़ा मैस्योर बन डोंकू। वो जो भी हो गधा मत बोल, समझा नूबड़ी का? क्या जमाना आ गया है, अब तो तेरे को एक बार नहीं 100 बार गधा बोलूंगा। गधा कहीं का? हम इस्तीफा दे रहे हैं साले, ढूंढ लेना दूसरा एडिटर। अरे नहीं यार, ऐसा मत कर, एडिटर ढूंढने मुश्किल हो गए हैं, वो हमें कुछ नहीं पता। क्या जमाना आ गया है, अब गधे को गधा भी नहीं बोल सकते। मैं क्रिमिनल हूँ और लोग मेरे को क्रिमिनल बोलते हैं। नो ऑफेंस यार, मैं श्योर बनो थोड़ा सा। देखो आपको पता चल गया है, डोंकू मेरा वीडियो एडिट करता था और मैं आपको बताता हूँ असल में बात क्या है। आप लोगों को तो पता ही है पिगू के पास टाइम नहीं होता, वो बहुत बड़ा माफिया है, इसलिए वो ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए इस गधे को मैंने 150 रुपए में लख लिया। छोड़ो इसे, मम्मी ने मस्त लहसुन के परोठे बना दिए होंगे और भूख भी लगी है, तो सड़ो सड़ते हैं। बाबू मोसा, क्या हुआ, ये एडिटर भी भाग गया? हाँ यार रिपू, अब नया एडिटर ढूंढना पड़ेगा। अरे घर में छोरी और गांव में ढिंढोरी है, क्या बोल रही है बुड्ढी? बदतमीज, अपनी दादी को बुड्ढी बोलता है। अरे वो राइम हो रहा था इसलिए बोल दिया, मैं श्योर बनो यार। वो छोड़ो ग्रैनी, आप क्या बोल रही थी, छोरी क्या? इसका मतलब मैं ब्लॉग एडिट कर दूंगी, बाहर क्यों एडिटर ढूंढ रहे हो? वाह ग्रैनी, ये हुई ना बात, मेरी प्यारी ग्रैनी। बस बदले में 150 बिमल देनी पड़ेगी। अबे मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, एक बिमल दूंगा। नॉट इंटरेस्टेड। अरे आदम सासा, मैं वो क्या बोल रहा था, थोड़े पैसों की जरूरत है। हाँ उसकी तो किसे जरूरत नहीं होती क्रिमिनल, बता तुझे क्या काम है? अरे वो कुड़ी कैंडी मैनू बेबी पहला जगवार ले लू, फिर जिना मर्जी प्यार ले लू, इसलिए। अबे कुछ समझ आए वैसा बोल। देखो अब मुझे घर बसाना है, शादी से कंटेंट निकालना है और एक लड़की मिली है, वो बोल रही है पहला जगवार दे दो फिर हो जाएगा। नहीं मैं तो नहीं दूंगा, खुद कमा ले और ले ले जगवार। सासा अभी दे दो फिर मैं वापस दे दूंगा, जैसे ही शादी होगी बेटा बेटी होगे खूब कंटेंट निकलेगा यार, भर भर के पैसा आएगा। सच बताऊ तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी जगवार लेनी है। छोड़ो आप लोगों से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। सर इपू यार, 1 करोड़ का बंदोबस्त करना है हमें। ठीक है बाबू मोसाई, पर कैसे करेंगे? वो तो अभी सोचा नहीं है, पर कुछ कर लेंगे। 1 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है क्रिमिनल, पूरी जिंदगी नौकरी करेंगे फिर भी नहीं कमा पाएंगे। हाँ इपू, कुछ 2 नंबर का ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, किसी को लूट लेते हैं। ये हुई ना बदमाशी वाली बात, बता किसको लूटना है? ऐसी जगह हाथ मारेंगे कि एक ही बारी में 1 करोड़ आ जाए। सही कहा इप्पू, बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, छोटी सोड़ियों से बंदोबस्त नहीं होगा। एक काम करते हैं क्रिमिनल, बैंक लूट लेते हैं। अबे नहीं यार, डाकू सासा ने पहले से ही सारी बैंक लूट कर रखी है। समझ गया, इस पेट्रोल पंप वाले को लूट लेते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है। सही कहा इप्पू, तू यही पर रह, मैं भी इसे लूट कर आता हूँ। और ये क्रिमिनल यहाँ क्या कर रहा है? क्रिमिनल यहाँ क्रिमिनल वाले काम करने आया है सर, 1 करोड़ रुपए दे वरना मार दूंगा। और पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, 1-2 लाख रुपए ही है। झूठ मत बोल सर, चुप साफ पैसे दे। एक काम करो मुझे मार दो, सच में पैसे नहीं है। लोग तो बोलते हैं पेट्रोल पंप वालों के पास बहुत पैसा होता है, और लोगों का तो काम है कहना झूठे हैं साले। तो फिर तेरे को मारने का क्या फायदा अगर पैसा ही ना हो तो? हाँ वही ना होता तो दे देता वे। 1 सेकंड साले, वो सामने BMW पड़ी है, वो किसकी है? पता नहीं वही, कोई रख के चला गया होगा। झूठ बोल रहा है, ये टेढ़ी ही है साले। हाँ वही माना, वो मेरी ही है, पर मेरे पास सच में उतने पैसे नहीं है साले। तो अब मैं तेरे को मार के तेरी कार लेके सड़ा जाऊंगा। वही नहीं वही, मरेगा तो अब तू।
अबे साले सठिया गया है क्या? तेरे पास तो बंदूक भी नहीं है, कैसे मारेगा? ओए एक बार पीछे देख ले, चार लोग बंदूक तांग कर खड़े हैं तेरे पे। अरे नहीं साले, तूने अपने आदमी लोग को बुरा लिया। सही कहा रे बैगन, बड़ा आया सेठ को लूटने वाला। अरे आप लोग तो सीरियस हो गए यार, मैं तो प्रैंक कर रहा था, आप लोग को नहीं पता मैं यूट्यूबर हूँ। अबे सठिया गया है क्या, क्या बोल रहा तू? हाँ खुशी के मारे सठिया गया हूँ, चलो प्रैंक को खत्म करते हैं, मैं चलता हूँ। नहीं रे बुद्धू, समझा है क्या, कोई प्रैंक नहीं था ये। आओ सही कहा, मार दो साले को, मुझे धमकी दे रहा था। अरे छोड़ो ना भाई, ये मार पीट में क्या रखा है, आपस में बात करके निपटा देते हैं। नहीं रे अब तो ये बात गोली मारने के बाद ही खत्म होगी। एक सेकंड, लगता है इसका साथी भी साथ है, कार में बैठा है, उसे भी मारेंगे। बाबू मोसाय मैं तो फंस गया, मुझे कैसे भी करके बचना पड़ेगा। अबे ये क्रिमिनल रूप तेरी तो साले भोले भाले लोगों को लूटता है। अबे अबे हिप्पू, ये क्या कर रहा है तू? साले तेरे जैसे लोगों को तो मार देना चाहिए। हिप्पू तू मुझे धोखा देगा, मैं तेरा भाई हूँ हिप्पू। सही कहा, ऐसे भाई को तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ओए ये हुई ना बात, मार दे इसको। सही कहा, अभी मार देता हुआ। Never let them know your next move. इनको लगा था कि मैं तुझे गोली मारूंगा, पर पीछे से गोला मार के इनका ही काम तमाम कर दिया। एक गोले से चार सीखा। भाई भागो, ये तो बहुत डेंजर आदमी है, कहां कहां से गोली गोला छोड़ता है। वही मेरे आदमियों को तो मार दिया, अब मुझे भी मार देंगे, इसलिए भाग जाता हूँ। अरे वाह हिप्पू, मान गया तेरे को बाबू मोसाय, पर वो साला भाग गया। छोड़ उसे, जाने दे, जान बस गई ना। नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। ठीक है हिप्पू तू जा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं वहाँ चलता हूँ। ठीक है बाबू मोसाय। देखो मुझे तो पता है अब ये हाथ नहीं आने वाला है, इससे तो पैसों का बंदोबस्त नहीं होगा, इसलिए मैंने एक दूसरा प्लान सोच कर रखा था। आपको याद ही होगा मैंने एक मेंशन खरीदा था, उसे मैंने काफी सारे लोगों को भाड़े पे दे दिया है, तो वहाँ चलता हूँ और देखता हूँ क्या चल रहा है, फिर भाड़ा भी मांग लूंगा। ये लो पहुँच गया, अब देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। अरे मजा आ गया भाई, आ लोग को तो सच में लटका दिया। अबे यार ये साला तो पी के यहाँ टल्ली हो गया है, और इन लोगों ने घर की क्या हालत कर दी है। देखो ये सब तुमको ही साफ करना पड़ रहा है, बता रहा हूँ यहाँ कोई काम वाला नहीं है। अरे आज ये अभी घर गंदा कहाँ हुआ है, तो हम साफ करेंगे, पहले गंदा तो होने दे। हाँ भाई तो पहले काम कर लेते से, पहले घर गंदा कर लेते से। अरे ये क्या हो रहा है, आलोक वहाँ पे क्यों लटक रहा है? अरे लटक नहीं रहा जी, इसे लटकाया है क्योंकि हमको इसके फोटो से खींचने थे। अबे ये झोकड़ को देखो, सारा फ्लोर बिगाड़ रहा है। अबे यार ये सब बंद करो, ये अच्छा नहीं लगता। ये क्या तुम्हारे बाप का घर है? रे अपना घर ना से, इसलिए तो यो सब कर रही है से, दूसरों के घर में ही यो करना चाहिए। अबे यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो अब मेरा मन कर रहा है थोड़ी सी कार चला लेती हूँ, मुझे लगता है इस तरीके से जल्दी सीख जाऊंगी। अरे ये क्या कर रही है जी? उप्स गलती से टक्कर लग गई, हाँ सॉरी। अबे यहाँ रहना तो खतरे से खाली नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे चला जाता हूँ। वैसे यार मैं काफी टाइम से नहाया नहीं हूँ, इसलिए यहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहता हूँ। अबे सालो ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे दिख नहीं रहा क्या बर्तन धो रहे है? नुबड़ी वालों स्विमिंग पूल में कौन बर्तन धोता है? अब मैं इसमें नहा भी नहीं पाऊंगा। अबे हम धोते हैं बर्तन इसमें, तुझे क्या दिक्कत है? ये मेरा घर है तो मुझे दिक्कत है, समझा? ये नहीं सड़ेगा। अबे तूने ही बोला था हम यहाँ कुछ भी कर सकते है, तो अब तू हमें रोक नहीं सकता। नहीं अब मैं बोल रहा हूँ ये सब नहीं सड़ेगा, तो फिर हम भाड़ा भी नहीं देंगे। हाँ ठीक है जो करना है वो करो, पर भाड़ा देना पड़ेगा। अरे वाह क्या बात है, तुम लोग कबड्डी खेल रहे हो? अरे बाबा फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल ही खेलेंगे ना, कबड्डी कौन खेलता है? हाँ सही कहा। नहीं नहीं यहाँ कबड्डी खेलनी सही है, समझा? कबड्डी ही खेलेंगे। नहीं हम तो फुटबॉल ही खेलेंगे। सालों विदेशी गेम खेलते हो, हमारे देसी गेम नहीं खेलते?
अरे तू चुप करना बाबा, हमको खेलने दे। नहीं, मेरे घर में कबड्डी ही खेलनी पड़ेगी। अरे एक थप्पड़ मारूंगा ना, निकल यहाँ से। सारे नूगड़ी के मुझसे पंगा लेता है, अब मरोगे। अरे ये क्या, सेठ जी वापस आ गए। आइए आइए सेठ जी, वेलकम होम। साले चौकीदार, तूने मेरे घर की क्या हालत कर दी है। क्या हुआ सेठ जी, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैंने आपके घर का अच्छे से ख्याल रखा है। झूठ बोलता है, मैंने तेरा व्लॉग देखा, सब पता चल गया। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। साले मेरे घर को अपना घर बताता है और भाड़े पे देता है। अब यहाँ से कट लेना सही है। चलो सेठ जी, मैं सरता हुआ मेरी शोकी दाढ़ी की जॉब से मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं तुझे लात मार कर निकालता हूँ, तू क्या इस्तीफा देगा।